अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर वर्सेस इंडक्टर। कैपेसिटर इंडक्टर हम पहली पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है पॉइंट्स के हिसाब से हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आज। तो कैपेसिटर की पहली पॉइंट क्या है, कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, जबकि इंडक्टर क्या करता है, इट अपोजेस चेंज इन करंट। दोनों की बात होगी, जब कैपेसिटर की बात होगी तो वोल्टेज की बात होगी, जब इंडक्टर की बात होगी तो करंट की बात होगी। दूसरी पॉइंट क्या है, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि इंडक्टर क्या करता है कि इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी पॉइंट क्या है, इट रेजिस्ट चेंज इन वोल्टेज, जबकि वो इंडक्टर क्या करता है, इट रेजिस्ट चेंज इन करंट। पहले हम बात कर चुके हैं कि वो करंट, इंडक्टर जो है करंट की बात करता है, कैपेसिटर जो है वोल्टेज की बात करता है। उसके बाद तीसरी जो है पॉइंट, चौथी पॉइंट जो है वो, द वोल्टेज चेंज इन कैपेसिटर डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, जबकि इंडक्टर में करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। उसके बाद द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, फैराड है, और इंडक्टेंस की जो है वो यूनिट क्या है, हेनरी है। उसके बाद पॉइंट है कि वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय टू इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में वोल्टेज की जो फॉर्म होती है वो करती है जो है वो पाई बाय टू लैग करती है, यानी आधा साइकिल पीछे रहती है किससे, करंट से। जबकि इंडक्टर में करंट जो होता है वो लैग करता है किसको, वोल्टेज को, पाई बाय टू यानी आधी साइकिल पीछे रहता है। उसके बाद कैपेसिटर फंक्शन एज अ शॉर्ट सर्किट इन अल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट, ठीक है। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, डीसी सर्किट में एज अ शॉर्ट सर्किट काम करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।